एवरीवन, माय सेल्फ दीक्षित कुमार फ्रॉम लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनोड़ा। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसा कि हम क्लास 11th की क्लासेस ले रहे थे और टिल द लास्ट लेक्चर हमने बात करी थी मेजरमेंट से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स की, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं वो हमने बात करा था, प्रिसाइजन वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है वो हमने बात करी थी, और लास्ट तक हमने बात करी थी केमिकल लॉज की। किस किस की बात करी थी? केमिकल लॉ, जिसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन, गेलुसेक्स लॉ, वॉल्यूम, अवोगाड्रो लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन सब की बात हम कल लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज के आगे लेक्चर में हमें बात करनी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। आज की क्लास में हमें क्या बात करनी है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो मैंने आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या बताया था आपको? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर के बारे में कुछ कुछ बात हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो बात ये आई सामने अब कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, किससे बना हुआ है वो, आखिर उसके कंपोजिशन पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ साइंटिस्ट के सामने। तो जो क्वेरी आई उसको रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे केमिस्ट वगैरह जो थे, साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए। और एक इंडियन फिलोसोफर है महर्षि कनाद, जिनके बारे में आपने नाम सुन रखा होगा, क्लास 10th में उनकी थ्योरी भी है, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और उन्होंने ये कहा था कि किसी भी मैटर को आप छोटे 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 पीसेज में डिवाइड करोगे, एक लास्ट स्टेप ऐसी आएगी जिसमें आप इसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और उसको इन्होंने नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। तो ये थ्योरी किसने दी थी? हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद, लेकिन उसको आज हम जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि यही बताया जाता है कि थ्योरी सबसे पहले कौन लेकर आया था? जॉन डाल्टन। और महर्षि कनाद ने क्या किया, उस थ्योरी को अप्रूवल नहीं किया, मतलब अपने नाम से दिया नहीं। और यहाँ पर क्या किया, जॉन डाल्टन ने उसी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अपने नाम से दिया, जिसको हम कहते हैं जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम क्या कहते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। ठीक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ बातें हैं वो अपन को जाननी है। तो डाल्टन ने कुछ बातें बताई थी, तो क्या क्या बातें ऐसी थी जो डाल्टन ने प्रपोज करी थी? तो डाल्टन ने क्या कहा था, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। तो यही बात तो जो महर्षि कनाद ने भी बोली थी, सेम थिंग महर्षि कनाद ने भी बोला था, क्या कि किसी भी मैटर के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अगर आप करते हो तो एक स्टेप ऐसी आएगी कि उस मैटर के और हम पार्टिकल्स नहीं कर सकते, और वो जो लास्ट स्टेप है उसको परमाणु कहा था, और इन्होंने खाली उसको यहाँ पर नाम दे दिया एटम। तो पहला पॉइंट क्या था, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? तो पहला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। ध्यान से देखना, एटम के बारे में क्या बात बताई जॉन डाल्टन ने, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा उसे हम कहेंगे एटम। और दूसरा इन्होंने ये कहा था, सेकेंड पॉइंट ध्यान से समझना, सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा था, एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। दूसरा पॉइंट क्या कहा था, एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम के आप और टुकड़े नहीं कर सकते, एटॉम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये फर्दर टाइम, इनिशियल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, शुरुआत कैसे हुई उसकी, ये सब सही नहीं है, मतलब कुछ कुछ चेंजेस हुए, कुछ कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, डीमेरिट्स रही, उनकी भी हम बात करेंगे। अभी तो शुरुआत में क्या क्या बात हुई उनकी हम बात कर रहे हैं। तो दो बातें इससे बताई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटर इज एटॉम और मैटर इज इंडिविजिबल पार्टिकल्स। दूसरी बात कही, All atoms of an element are identical in mass. Third point, most important, ये भी, All atoms of an element are identical in mass. मतलब ये कि
एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मास आइडेंटिकल होता है, क्या होता है आइडेंटिकल। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, एग्जांपल के लिए मैं ले लूं CO2, CO2 में भी कार्बन का मास कितना होता है 12 μ, कितना होता है 12 μ। दूसरा अगर मैं बात करूं CS2, इसमें भी कार्बन का मास कितना होता है 12 μ। और अगर मैं बात करूं CO2 तो इसमें भी कार्बन का मास कितना होगा CO, किसकी बात करूं CO की 12। कारण कि कार्बन एक एलिमेंट है और उसके अंदर जो एटॉम्स है उसका मास फिक्स होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, ये किससे बताया, जॉन डाल्टन ने बताया। उसने ये कहा कि एक एलिमेंट के अंदर जो भी एटॉम्स होते हैं उन एटॉम्स का जो मास होता है वो आइडेंटिकल होगा, फिक्स होगा, तो वो हमने यहाँ बता दिया। दूसरा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन मास, ये ध्यान रखना। अलग अलग एलिमेंट है तो उनके एटम्स भी अलग अलग होंगे तो उनका मास भी अलग अलग होगा। एग्जाम्पल, आपने CO2 बनाया है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कभी भी उनका मास सिमिलर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का मास है 12, तो ऑक्सीजन का 16 × 2 तो यहाँ कितना आ रहा है 32। क्लियर? तो यहाँ पर ये कुछ बातें उससे कॉमनली बात करी, कॉमन बात बताई थी कि भाई अगर यहाँ पर सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट किसी के भी साथ जुड़ा होगा, उसका मास सेम होगा। डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट का मास अलग होगा क्योंकि उनके अंदर एटम्स अलग अलग हैं। ठीक है, दूसरा, डाल्टन ने एक और बात करी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। डाल्टन ने एक और बात करी थी किसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुका हूँ, इसलिए अभी मैं ज़्यादा इसकी बात नहीं करूँगा, स्टेटमेंट बताऊँगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर विजिट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, मास नाइदर क्रिएटेड नोर डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या बात करी थी, मास को हम कभी जनरेट नहीं कर सकते ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो एटॉम के बारे में सबसे पहले कौन आया लेकर, जॉन डाल्टन। कौन आया, तो क्या बताया उसने, एटॉम इज ए इंडिविजुअल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगला इंपॉर्टेंट बात, ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कुछ एक 4-5 पॉइंट थे जो बताए थे जॉन डाल्टन ने। किसने बात करी थी इन सब की, जॉन डाल्टन। अब एटॉम तो एग्जिस्टेंस में आ गया, फिर आगे कई सारे इसमें चेंजेस हुए, एटॉम के स्ट्रक्चर की भी बात हुई, फिर धीरे धीरे इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। आगे सेकेंड चैप्टर है, इसको डिटेल में पढ़ना है आपको, एटॉम की हिस्ट्री के बारे में, एटॉम की शुरुआत की लेकर उसकी पूरी जर्नी के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम, उसमें पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम की बात करोगे आप। ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर आप बात करोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, एटॉम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आएंगे, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई उनकी बात करेंगे। इट विल बी डिस्कवर, मतलब डिस्कस ऑन लेटर, सेकेंड चैप्टर में आएगा तब हम बात करेंगे। अभी जितना काम का मटेरियल चाहिए उसी की बात करें। अब आपके सामने एक नई चीज आएगी, वो है एटॉमिक मास। कई बार आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, जनरली आपने बोला भी होगा, मैंने भी ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया उतने में कई बार 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 एटॉमिक मास का जिक्र किया है। लेकिन अंटिल वी आर अनफेमिलियर विथ एटॉमिक मास, हमें अब भी एटॉमिक मास के बारे में पता नहीं है, हम एटॉमिक मास के बारे में नहीं जानते। तो अब हम बात करेंगे व्हाट डज द मीन ऑफ द टर्म एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक मास वर्ड से क्लियर हो रहा है, मास ऑफ एन एटॉम इज नोन एज एटॉमिक मास। ध्यान से समझना, मास ऑफ वन एटॉम, या इसको आर्टिकल के हिसाब से एन लगाते हैं, मास ऑफ वन एटॉम इज नोन एज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एक एटॉम का जो मास होगा उस एक एटॉम के मास को हम कहेंगे एटॉमिक मास।
अब हाइड्रोजन ले रहे हो आप, तो हाइड्रोजन के अंदर तो कितने भी एटम्स हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली एक एटम का क्या मास हो रहा है, उस एक एटम के मास को हम कहेंगे एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास निकालना कैसे, उसकी यूनिट्स क्या हैं, उनकी बात करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा है सर ये तो बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन इसको जब ब्रीफली मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा तब एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्लियर करना है। आप किसी के सामने अगर बैठ जाओ तो एटॉमिक मास उसको समझा पाओ, ऐसे तरीके से पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहली बात करेंगे अपन यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। किसकी बात करोगे आप? यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। कि आपको एटॉमिक मास को डिफाइन करना है तो आप किस में करोगे? तो सबसे पहला है इसको डिफाइन करने का एटॉमिक मास यूनिट। इसकी सबसे पहली यूनिट कौन सी है? एटॉमिक मास यूनिट, इसको बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं? AMU। ए जनरली साइलेंट रहता है, इसको म्यू म्यू भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं अपन? म्यू। क्या पढ़ते हैं? दूसरा यूनिफाइड मास, जिसको आप यू से लिखते हो, यूनिफाइड मास जिसको हम यू से लिखते हैं। और थर्ड यूनिट है इसकी डाल्टन। थर्ड यूनिट क्या है? डाल्टन। आम तौर पर आप यही लेते हो एटॉमिक मास यूनिट, जिसको मैंने लिखा है म्यू, इस यूनिट को आप लिखते हो एटॉमिक मास में। किस में लिखते हो? एटॉमिक मास में। अब ध्यान से देखना, अब एटॉमिक मास की यूनिट तो हो गई म्यू, लेकिन हमको तो ये जानना है ना कि एग्जैक्टली एटॉमिक मास हम निकाले कैसे। आपको एटॉमिक मास निकालना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है आप उसका मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ, उस तरीके से आप निकाल सकते हो, निकाल के बता सकते हो। बट हम कैसे पता लगाएं किसका एटॉमिक मास क्या है? और हमको एटॉमिक मास पता करने के लिए करना क्या है? मेजरमेंट करना चाह रहे हो आप? क्या करना चाह रहे हो? मेजरमेंट करना चाह रहे हो। और मेजरमेंट क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको मेजरमेंट पहले पढ़ाया है, याद करिए। जिन जिन को पता है फटाफट लिखिए कमेंट सेशन में व्हाट इज मेजरमेंट। जिन जिन को पता है आप अपने नाम के साथ कमेंट सेशन में लिखेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। फटाफट उठाइए मोबाइल और लिखिए कमेंट सेशन में कि मेजरमेंट क्या है। आप वीडियो रोक लीजिए कुछ समय के लिए और लिखिए कमेंट सेशन में अपने नाम के साथ मेजरमेंट क्या है। ओके, तो मैंने आपको बताया था मेजरमेंट क्या है, कंपेरिजन। मेजरमेंट में आप क्या करते हो? कंपेरिजन करते हो। एक होती है आपके पास नॉन क्वांटिटी, एक होती है आपके पास अननोन क्वांटिटी, उनके बीच में मेजरमेंट। अननोन क्वांटिटी तो वो होगी जिसका एटॉमिक मास आपको निकालना है, तो यहां पर आप नॉन क्वांटिटी क्या लेंगे, मतलब क्या? एनी मेजरमेंट रिक्वायर्स नॉन क्वांटिटी। किसकी जरूरत पड़ती है? नॉन क्वांटिटी। तो नॉन क्वांटिटी के रूप में आप क्या लोगे यहां पर, किसका सिलेक्शन होगा नॉन क्वांटिटी के रूप में? तो ध्यान रखना, यहां पर सारे जब डील हुई तब कि भाई कैसे करना चाहिए, तो उन सब ने मिलकर एक एलिमेंट डिसाइड किया था कार्बन का, कार्बन 12। कौन सा डिसाइड किया? कार्बन 12। इट इज द आइसोटॉप ऑफ कार्बन। ये क्या है? कार्बन 12। इट इज द आइसोटॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के तीन आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये तीन इसके आइसोटॉप्स हैं। कार्बन के कितने आइसोटॉप्स हैं? तीन आइसोटॉप्स। तो अब ये हो गया नॉन क्वांटिटी, और इसके रेस्पेक्ट में आप दूसरे को लेकर एटॉमिक मास निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा, बट सबसे पहला क्वेश्चन अगेन वही, व्हाई कार्बन 12 ओनली? आखिर ऐसा इसके पास क्या है कि हमने इसको सेलेक्ट किया? तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल के लिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि वी हैव टू सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम। हमें क्या करनी है? क्रिकेट टीम का सिलेक्शन करना है। अब सिलेक्शन करने के लिए मुझे बनाना है कैप्टन। क्या बनाना है? कैप्टन। तो कैप्टन बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उस बंदे को, जनरल रिक्वायरमेंट कह रहा हूं मैं, जनरल रिक्वायरमेंट, उस बंदे को क्रिकेट आना जरूरी है। ये एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट कह रहा हूं। आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि किसी भी बंदे को उठा कर लाए जिसको क्रिकेट ही नहीं आ रहा उसको कैप्टन बना दिया, कर सकते हो क्या? नेवर। यह एग्जाम्पल आपको बनाना है क्लास मॉनिटर। क्या बनाना है? क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर बनाना है, आप किस बच्चे को बनाएंगे? तो अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए, शांत होना चाहिए, लड़े झगड़े वो सब सेकेंड फैक्टर है।
भाई आपने जिस बंदे को मॉनिटर बनाया है वो स्कूल ही नहीं आ रहा है, तो किस काम का? मतलब ये कि वो आना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कार्बन 12 सेलेक्ट करने का है वो है इसकी अवेलेबिलिटी, अबंडेंट इन नेचर, अबंडेंट इन नेचर, कि कार्बन 12 की अवेलेबिलिटी जो है वो इजी वे में मिल जाता है नेचर में, ये नेचर में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होता है। कौन? कार्बन 12। क्यों कार्बन 12? तो अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत फास्ट है, बहुत पर्याप्त मात्रा में, सफिशियंट अमाउंट में। तो मान लो आपने कोई रेफरेंस एटम ले लिया, किसी को ले लिया और पता पड़ी कि ये तो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? कोई बंदा किसी दुकान पर गया 5 किलो का सामान लेने के लिए और दुकानदार को पता पड़ी कि मेरे पास तो 5 kg का वेट ही नहीं है, तो क्या वो मेजरमेंट कर पाएगा? तो मतलब ये कि जो भी आप एज अ नॉन क्वांटिटी ले रहे हो वो सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल होना जरूरी है, पहला। सेकंड नज़र डालो इसकी रिएक्टिविटी के ऊपर। किसके ऊपर डालो? रिएक्टिविटी। जैसे कि हम सब जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी इज द बेस्ट कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री, क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे अच्छे कैप्टन की अगर बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे पहले आता है। और क्या कहते हैं हम? इट्स कैप्टन कूल। क्या कहते हैं? इट इज कैप्टन, ही इज कैप्टन कूल, कूल कैप्टन कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको कूल कैप्टन? क्योंकि वो सबसे अच्छे से ट्रीट करता है, ज़्यादा एंग्री नहीं होता है, ज़्यादा गुस्सा नहीं होते हैं, कई सारे उनकी गुड फैक्ट्स हैं। तो दूसरा, ये मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, हमको रिएक्टिविटी की बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या आप ऐसे सब्सटेंस को एज अ रेफरेंस एटम लोगे क्या जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो हम कभी भी उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो रिएक्ट कर जाएगा, आप उसको लेंगे कैसे? मतलब ये कोई ऐसा बंदा आपने कैप्टन बना दिया जो चीड़ करता है बार बार, किसी ने कैच छोड़ दिया चीड़ कर दिया, किसी ने रन आउट छोड़ दिया चीड़ कर दिया, किसी ने बाउंड्री दे दी चीड़ कर दिया, किसी ने बॉलिंग सही नहीं की चीड़ कर दी, तो क्या ऐसे बंदे को आप कैप्टन बनाएंगे? नेवर। और ऐसे बंदे को भी तो कैप्टन नहीं बनाएंगे जो कैच छोड़ रहा है तो भी कुछ नहीं, विकेट ले रहा है तो भी कुछ नहीं, रन बना रहा है तो भी कुछ नहीं, बाउंड्री दे रहा है तो भी कुछ नहीं। मतलब ये कि ना तो हम ऐसे को कैप्टन बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, जो लेस रिएक्टिव हो उसे भी नहीं बनाएंगे, मतलब एवरेज होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। तो इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है? मॉडरेटली रिएक्टिव। कैसा होता है ये? मॉडरेटली रिएक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? मॉडरेटली रिएक्टिव। ये नेचर में कैसा होता है? मॉडरेट रिएक्टिव होता है। तीसरा, जब इसको सेलेक्ट किया तब क्या था? नो आइसोटॉप्स वर फाउंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आपके दिमाग में घंटियां बज रही होंगी कि सर कैसी बात कर रहे हैं, पहले ही सर ने बता दिया कार्बन के 3 isotopes हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, फिर सर कह रहे हैं कि इसके आइसोटॉप्स नहीं है। तो ध्यान रहे, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने डिसाइड किया ना किसको ले, तब सिर्फ कार्बन 12 था, कार्बन 13 एंड 14 एग्जिस्टेंस में नहीं थे तब। और यूँ मान लो ना, ये तो सब एक ही परिवार के मेंबर है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ये ले लूँ, हार्दिक पंड्या को कैप्टन बना लिया जाए और 15 मेंबर्स की टीम में कुणाल पंड्या है, तो मुझे बताइए क्या हार्दिक पंड्या अपने भाई को टॉप 11 में नहीं लेगा क्या? ले नहीं ले वो अलग बात है, 10% झुकाव अपने भाई की ओर होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर आपकी भाई बहन आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपकी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कभी कोई बीमार हो गया या कोई चीज़ हो गया तो आप तुरंत जाते कि नहीं जाते? तो सीधी सी बात है, हमारा लगाव रहता है। तो आप कभी भी ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट, मतलब ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं करोगे तो आइसोटॉपिक फॉर्म में हो। लेकिन तब क्या था कि ये तो फ्री स्टेट में था, इसका कोई आइसोटॉप नहीं था इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन बाद में इसके आइसोटॉप डिस्कवर हुए। लेकिन पहले रेफरेंस एटॉम के तौर पर कौन सा लिया गया? कार्बन 12 एटॉम। कौन सा लिया गया? कार्बन 12 एटॉम। तो अब एक तरफ रखा गया क्या? कार्बन 12 एटॉम, दूसरी तरफ एटॉमिक मास निकाला गया। अब वो एटॉमिक मास कैसे निकाला उसकी बात करनी है। कि हम कैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। नेक्स्ट हमको बात करनी है कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो यहाँ पर आपने सिलेक्शन किसका किया? C12, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कार्बन 12 एटॉम। इसको अपन कहते हैं रेफरेंस एटम। क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज़ तो रेफरेंस एटम। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए
जिस एलिमेंट को आप एज ए नॉन क्वांटिटी लेते हो उसे हम कहते हैं रेफरेंस एटम, जिसको जहाँ जिसे हमने यहाँ पर क्या लिया है कार्बन 12 एटम। अब यहाँ पर एक यूनिफाइड मास या AMU क्या होता है वो समझना है, 1 AMU किसके बराबर होता है। तो आपने कार्बन 12 एटम ले रखा है और मास ऑफ कार्बन 12 एटम किसके बराबर ले लिया आपने, ध्यान से समझना। यहाँ पर मास ऑफ कार्बन 12 एटम किसके बराबर लोगे, तो 12 μ इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम। क्या लोगे, कार्बन 12 एटम का मास यहाँ पर क्या ले लिया आपने, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 μ। कार्बन 12 एटम का मास आपने क्या ले लिया, 12 μ। ये एज अ रेफरेंस एटम आपने लिया है, क्या लिया है ये माना पहले। अब ध्यान से देखना, हम ऑलरेडी जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अब आपको पूछा जाए कि 1 μ इज इक्वल टू कितने ग्राम होता है, क्या पूछा जाए 1 μ में कितने ग्राम होते हैं, कैसे पता लगाओगे। तो उसके लिए पहले तो 1 μ का मतलब क्या है वो समझना है। तो 12 मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 μ, तो मुझे बताओ 1 μ इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आया समझ में, या हम क्या कह सकते हैं 1 μ, 1 μ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 1 μ इधर ले लो, 12 इधर नीचे ले लो, तो मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम बाय 12, ये आपके पास आ गया 1 μ। क्या आ गया, इसे हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। कैसे निकालते हो, तो 1 μ इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12। ये पता पड़ गई होगी, बहुत इजी वे में बताया, कार्बन C12 एटम बराबर क्या ले लिया आपने, 12 μ, तो 1 μ बराबर ये आ गया। अब 1 μ में कितने ग्राम होते हैं ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था। तो अब आप क्या करिए, एक्सपेरिमेंटली डाटा निकालिए कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम क्या होता है, मास ऑफ कार्बन 12 कितना होता है, तो मास ऑफ कार्बन 12 होता है 1.99 × 10⁻³ ग्राम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 1.99 × 10⁻²। कितना होता है, 1.99 × 10⁻²। अब ये डाटा आ गया आपके पास किस चीज़ का, कार्बन 12 एटम का। अब आप ये आ गया तो 1 μ को ग्राम में बदल सकते हो, अब तो ग्राम में बदलिए, 1 μ इज इक्वल टू मास ऑफ 12 कार्बन रख दो, 1.99 × 10⁻², डिवाइड बाय 12। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 μ इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²। दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड ग्राम। 1 μ किसके बराबर है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²। अब ये कोई पूछे सर ये कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा है, कई सारे तरीके हैं आपके पास, आप निकाल सकते हैं मतलब एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ आपको नहीं जाना है, आपको ये पता होना चाहिए, ये मगअप कर देना है, याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, कार्बन 12 एटम का मास 1.99, और वो भी नहीं याद रहे तो ये तो याद रहना चाहिए, 1 μ इज इक्वल टू 1.66 इज इंटू 1 10⁻²⁴ μ। ये आंसर आएगा किस चीज़ का, आपके पास 1 μ का, किसका आया 1 μ का। ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा रिलेटिव मास यूनिट, क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या करना है, आपको रिलेटिव मास निकालना है, इधर ध्यान रखना, ये टॉपिक है आपके बुक में, जिसको हम RAM कहते हैं, क्या कहते हैं, RAM। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या करना है, मास ऑफ एन एलिमेंट 1/12 ऑफ एटॉमिक 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम, ये निकल जाता है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या निकल जाता है। पर अभी आपका फोकस पूरा यहाँ होना चाहिए, वो बेसिक टॉपिक है, मैं फिर बता दूंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ इतना जो बोर्ड के ऊपर मैंने काम किया वो देख लो। ये आपने क्या लिया था, रेफरेंस एटम के तौर पर कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम आपने क्या कंसिडर किया, 12 μ।
तो ये आपको पहले मानना पड़ेगा ना भाई, आपको कैसे पता पड़ा 1 kg का जो वेट आपने रखा है वो 1 kg है या नहीं? पता है क्या किसी को? कभी किसी ने चेक किया क्या कि जो किसी व्यापारी ने 1 kg का वेट रखा, 500 ग्राम का वेट रखा, क्या वो एग्जैक्टली 1 kg है? क्या पता कर सकते हो क्या आप? तो वो कंसिडर किया है कि ये 1 kg है, तो वैसे ही यहाँ पर मास ऑफ सी 12 एटम कंसिडर किया 12 μ, तो ये 1 μ एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसीलिए आपने कई सारी डेफिनेशन में पढ़ा होगा, व्हाट इज द एटॉमिक मास? इट इज द मास ऑफ एटॉम विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटॉम। ऐसी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, घबराना नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। अब 1 μ में कितने ग्राम होते हैं वो निकालना है, तो ये डेफिनेशन आ गई। अब ग्राम निकालना है तो आप सीधी सी बात है मास ऑफ कार्बन 12 एटॉम निकाल लो ग्राम में, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा आ गया जिससे 1 μ इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये एक रिलेशन हमने सेट किया है म्यू एंड ग्राम के बीच में, किस किस के बीच में किया? म्यू एंड ग्राम के बीच में। तो अब आपको पूछा जाए कि व्हाट डज यू मीन बाय म्यू, म्यू क्या रिलेशन क्या सेट किया? देखना आप ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाए साथ साथ में, या फिर मैंने पहले भी कहा है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए, जिन जिन स्टूडेंट्स को नोट्स नहीं मिले यू कैन मैसेज मी कि सर प्लीज़ प्रोवाइड अस फर्स्ट चैप्टर नोट्स, तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की PDF भेज दूंगा। बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, सीखते जाएं साथ साथ में। अब देखो, अब आपको क्या बताना है, 1 μ। अब फिर से लिख देता हूँ मैं, 1 μ इज इक्वल टू क्या आ गया था आपके पास, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक, अब आपको कोई पूछे कि मास ऑफ एटोम कितना है, मास ऑफ एटोम कितना है, मास ऑफ एन एलिमेंट कितना है, मास ऑफ एन एलिमेंट कितना है, तो मास ऑफ एन एलिमेंट पूछिए आप या वेट ऑफ एन एलिमेंट पूछिए। तो यहाँ पर एक और रिलेशन में लिख रहा हूँ, 1 μ इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली मास ऑफ एटॉम डिवाइड बाय 1.66 × 10⁻² ग्राम, एक्सपेरिमेंटली डाटा ऑफ 24 ग्राम। ये कैसे किया तो याद रखना, 1 kg बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो क्या पूछा, 2000 ग्राम में कितने kg होगा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 2000 में कितने kg होगा, तो कितने केजी होगा, तो आपने डिवाइड कर दिया 1000 से। तो जो आपको दे रखा है उसको रेफरेंस वैल्यू से आपने डिवाइड कर दिया, किया कि नहीं किया? तो यहां रेफरेंस वैल्यू ये है, आप इसको इस तरीके से देखो, 1 kg 1 μ को इसको देखो 1000 ग्राम। अब आपको यह पूछा जाए कितना म्यू है, क्या निकालना है आपको, म्यू निकालना है, कितना म्यू, कितने म्यू मतलब कितना किलोग्राम है, कितना म्यू है। तो आपको क्या करना है, उसका जो एक्सपेरिमेंटली डाटा पता होना चाहिए, या इसको आप वेट भी कह सकते हो, जैसे कि म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, तो म्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ एन एटम डिवाइड बाय 1.66 × 10⁻² ग्राम, ये म्यू क्या रिलेशन आ गया। अब आपको कोई पूछे वेट क्या है, तो वेट आप निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से, वेट इज इक्वल टू म्यू इंटू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। एक ही फॉर्मूले से आप दोनों काम कर सकते। तो बेसिक बेसिक बात करिए, मैंने ये वाला रिलेशन इससे पता करना, आप 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, क्वेश्चन था 2000 ग्राम में कितने केजी होगा, तो आपने लिखा 2 kg, किया क्या, 2000 में ये जो रिफरेंस ये था रेफरेंस वाला वो डिवाइड कर दिया। तो आपको ये पूछा कि दिए हुए मास में कितना म्यू होगा, तो ये दिया हुआ मास उसमें क्या डिवाइड कर दो, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा पहले वाला है वो डिवाइड कर दिया जैसे इसमें किया था हमने, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो ये कुछ रिलेशंस, बेसिक बेसिक रिलेशन मैंने बनवाए हैं, वो रिलेशन आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो इसलिए इन रिलेशंस को भूलना नहीं है, रिलेशन बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो ये एटॉमिक मास से रिलेटेड टॉपिक आपका पूरा हुआ, कुछ छोटे छोटे आपके टॉपिक बुक के अंदर दे रखे हैं वो बाकी हैं, एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी यहाँ पर कार्बन की बात करी, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, वैसे वैसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ठीक है ना, H1H1, 2H1, 3H1।
तो उन तीनों को मिलाकर अगर मुझे ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो मुझे उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। तो वो तरीका मैं सिखाऊंगा। तो अब कुछ के एटॉमिक मास आपको याद रखने हैं, ठीक। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, सोडियम का 23, ऐसे ऐसे कुछ कुछ के एटॉमिक मास आपको याद रखने हैं। आपकी बुक में भी होंगे, कुछ कुछ याद रखते जाइए, ठीक है। नियोन का 20, फ्लोरीन का 19, मैग्नीशियम का 24, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, क्लोरीन का 35.5, ये याद रखना। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, क्योंकि ये एवरेज निकलता है। ये क्या निकलता है? एवरेज एटॉमिक मास। क्लोरीन के क्या होते हैं? दो आइसोटॉप्स होते हैं। तो ये जनरल कुछ कुछ के एटॉमिक मास आपको याद रखने हैं। कैल्शियम का 40, ये रट्टा मारने मत बैठ जाना, जैसे जैसे रूटीन में आएगा ना वैसे वैसे हो जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना। जैसे जैसे आपके रूटीन में हीलियम का 4, वैसे वैसे आपका जैसे रूटीन में आता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक मास होता जाएगा, ठीक। अब हमारा इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है, वो है मोलिकुलर मास। अगला टॉपिक क्या है? मोलिकुलर मास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलिकुलर मास। नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलर मास। कल अपन ने लास्ट बात करी थी एटॉमिक मास की, अब हमको आगे बात करनी है मोलिकुलर मास। व्हाट डज द मीन ऑफ मोलिकुलर मास? टर्म मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है? तो मोलिकुलर मास का मतलब होता है मास ऑफ अ मोलिक्यूल। किसी भी एक मोलिक्यूल का जो कंबाइंड मास होता है उसे हम कहते हैं मोलिकुलर मास। क्या कहते हैं? मोलिकुलर मास, मास ऑफ अ मोलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर जो मोलिक्यूल है उस मोलिक्यूल का मास जो है वो मोलिकुलर मास कहलाता है। हाउ मोलिकुलर मास इज कैलकुलेटेड? तो एक जो खास चीज चाहिए मोलिकुलर मास के लिए, कि मोलिकुलर मास अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आपको रिक्वायरमेंट रहती है मोलिकुलर फॉर्मूला। किसकी जरूरत रहती है? मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर आप मोलिकुलर मास निकालना चाह रहे हो किसी भी सब्सटेंस का, तो आपको रिक्वायरमेंट रहती है मोलिकुलर फॉर्मूला, और उस मोलिकुलर फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हो मोलिकुलर मास। तो व्हाट इज अ मोलिकुलर मास? मोलिकुलर मास इज द मास ऑफ अ मोलिक्यूल इन अ सब्सटेंस इज नोन एज मोलिकुलर मास, विच इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ मोलिकुलर फॉर्मूला। और निकालते कैसे हैं? तो मोलिकुलर मास को दो चीज़ों में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। पहला है RAM, दूसरा है GAM। पहला अगर आप निकाल रहे हो रिलेटिव एटॉमिक मास की मदद से, किसकी मदद से निकाल रहे हो? रिलेटिव एटॉमिक मास की मदद से, और जिसका आंसर म्यू में आता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको बोलते हैं म्यू, लेकिन वास्तव में है ये AMU, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। म्यू में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास की मदद से आप निकाला है। और अगर आप निकालोगे ग्राम एटॉमिक मास की मदद से, तो उसको निकालोगे ग्राम में। किस में निकालोगे? ग्राम में। फर्स्ट म्यू, दूसरा ग्राम। तो इन दो तरीकों से आप निकाल सकते हो मोलिकुलर मास। क्या निकाल सकते हो? मोलिकुलर मास। तो अब कल मैं आपको बता चुका हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। अब आगे हम कैलकुलेट कैसे करें, हाउ मोलिकुलर मास इज कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास। अब हमें बात करनी है कि हम कैलकुलेशन कैसे करें मोलिकुलर मास की, हाउ मोलिकुलर मास इज कैलकुलेटेड। तो मोलिकुलर मास क्या कहलाता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मोलिक्यूल। दैट्स द फैक्ट। एक मोलिक्यूल के अंदर जो जो एटॉम्स आ रहे हैं उन एटॉम्स का सम करने पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम कहेंगे मोलिकुलर मास। क्या कहेंगे? मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटॉम्स इन अ मोलिक्यूल। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ H2O। H2O इज अ मोलिक्यूल कंपाउंड। आपको पूछा है कि इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ H2O। कैसे निकालोगे आप मोलिकुलर मास ऑफ H2O? तो कितने हाइड्रोजन है?
टू, आपके पास कितने हाइड्रोजन है, टू, तो आप क्या लिखोगे, टू इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कल मैं आपको बता चुका हूँ कुछ एक एटॉमिक मास आपको याद हो जाने चाहिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 प्लस 16 कितना आ गया 18, क्या आया आंसर 18। अब बात 18 में यूनिट क्या लगानी, तो 18 में अगर आप पीछे म्यू लगाते हो तो वो कौन सा कहलाएगा आर एम, रिलेटिव एटॉमिक मास की मदद से निकाला है आपने, और अगर आप पीछे लिख रहे हो ग्राम तो वो कहलाएगा जी ए एम, जो मैं अभी बता चुका हूँ किसकी मदद से निकाला ग्राम, मतलब आप पीछे म्यू भी लिख सकते हो ग्राम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यू मतलब आपने रिलेटिव एटॉमिक मास की मदद से निकाला है, ग्राम लिखा है मतलब आपने ग्राम एटॉमिक मास की मदद से निकाला है। तो ये पहला एग्जांपल वाटर का अपन ने निकाला है, मोलिकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम, कितना होता है 18 ग्राम। अब कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपके सामने करते जा रहा हूँ वन बाय वन। अगला मैं ले रहा हूँ अमोनिया, क्या ले रहा हूँ अमोनिया NH3। अमोनिया का निकालना है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम, इज इक्वल टू 17 ग्राम। तो दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने अभी बताए हैं, पहला एग्जांपल मैंने लिया है H2O, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने क्या किया रिजल्ट ऑफ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ, तो यहां पर मैंने 2 क्यों किया क्योंकि H2O में आपके पास क्या है HHO, ऐसे है ना, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, इसलिए बार बार 1+1 लिखने की बजाय 2 × 1 कर दो, बार 1+1+16 ऐसा करो, उससे अच्छा 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ऐसा कर लीजिए आप। अब कुछ एक और एग्जांपल आप लोग देखिए, अगला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोग एक काम करिए, मैं यहाँ पर एक कंपाउंड एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एग्जांपल लिखने के बाद आप वीडियो पॉज कर देंगे, पॉज करने के बाद उसका क्या आंसर आ रहा है वो आंसर आप कमेंट सेशन में लिखेंगे, फिर मेरे यहाँ से आप मैच करेंगे कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ग्लूकोज, इसका एटॉमिक मास आपको निकालना है, किसका निकालना है ग्लूकोज, तो इसका एटॉमिक मास निकालिए, आप वीडियो को रोक दीजिए कुछ मिनट के लिए जब तक आपका आंसर नहीं आता, फिर उस आंसर को कमेंट सेशन में लिखिए और बाद में मेरे आंसर से वेरीफाई करेंगे कि क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोशिश करके देखिए आप एक बार कि क्या हो रहा है। यस रेडी 1 2 3 पॉज करें। यस, तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो क्या आएगा 6 कार्बन है, 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है कल ही अपन देख चुके हैं 12, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, आंसर क्या आएगा 72 12 96, 6 × 2 8 × 10 0 कैरी 1, 7 1 8 9 and 9 18 118 μg/g। ये क्या आ गया ग्लूकोज का एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ये क्या आ गया ग्लूकोज का मोलिकुलर मास। तो जिन जिन स्टूडेंट का 180 आंसर आ रहा है उनका आंसर सही है, जिन जिन का 180 आंसर आ रहा था उनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और वो सही है। अब मैं एग्जांपल्स कुछ और हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल्स, उससे आपका काम हो जाएगा। अगला एग्जांपल जो अब हम लेने जा रहे हैं वो है एसिटिक एसिड, अगला एग्जांपल कौन सा है एसिटिक एसिड, अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ CH3COOH, अगला एग्जाम्पल कौन सा ले रहा हूँ CH3COOH, जिसमें कौन सा है CH3COOH में एसिटिक एसिड कहते हैं अपन इसको, क्या कहते हैं एसिटिक एसिड, तो निकालिए इसका, कोशिश करिए आप, कोशिश करिए। तो देखो अब यहाँ पर कार्बन आपके पास है दो, दोनों लिखे अलग अलग है, क्या है कितने दो, तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ
कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, फोर, फोर इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस टू इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, टू इंटू ट्वेल्व प्लस फोर इंटू वन प्लस टू इंटू सिक्सटीन, 24 प्लस 4 32, 28 प्लस 32 तो कितना आ गया, ये 60, ये कितना आ गया 60 ग्राम। CH3COOH का कितना आ गया 60 ग्राम, कितना है आंसर आपका 60 ग्राम। देखो ये एग्जाम में आता है आपके जनरल फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट तो ऑलमोस्ट टाइम निकल गया, वरना हाफ ईयरली में आता है, यूनिट टेस्ट वगैरह में इसके क्वेश्चन सीधे आते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, इनके मॉलिक्यूलर मास आप निकालिए। अब मैं कुछ यहाँ पर और दो चार प्रैक्टिस और कराऊँगा, फिर आपको घर पर करना है इसका प्रैक्टिस, बैकसाइड एक्सरसाइज में जो जो दे रखे हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर। अब इसका करिए आप H2SO4, अगला है H2SO4, लेकिन यहाँ पर आप अटकेंगे सल्फर का, आपको पता नहीं होगा, मैंने कल बताया भी है, सल्फर का होता है एटॉमिक मास 32। देखो मॉलिक्यूलर मास के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें एटॉमिक मास अच्छे से आने चाहिए, एटॉमिक मास पता है तो मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे। तो क्या करोगे आप, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16, तो ये 2 32 64, क्या आंसर आ गया 98 ग्राम। सल्फर का एटॉमिक मास क्या आया 98 ग्राम, ये आ गया आपके पास सल्फर का एटॉमिक मास, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप एक और करिए, कैल्शियम कार्बोनेट, अगला एग्जांपल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, यह कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो इसमें सल्फर आया नया, तो इससे क्या होगा आपको कुछ नए एटॉमिक मास मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है कैल्शियम, नया मैंने क्या लिया है कैल्शियम, तो कैल्शियम में भी आपको नया मिला कैल्शियम CaSO4 कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, सॉरी CaCO3, CaSO4 भी कास्टिक सोडा का है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप एक बार अब तो करो CaCO3 CaCO3 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट कास्टिक सोडा, याद आ रहा है, इसको अपन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जनरल नेम है मार्बल, जनरल नेम इसका क्या है मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका निकालो तो कैल्शियम का कितना हो गया 40 प्लस कार्बन का हो गया 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का हो गया 48, 40 प्लस 48 प्लस 12 कितना हुआ ये, तो 8 2 10 0 कैरी 1 5 4 9 एंड 10 100 शतक सेंचुरी 100 ग्राम, क्या आया आंसर आपका 100 ग्राम CaCO3 100 ग्राम। अगला एग्जांपल आपके सामने है FeSO4, अगला एग्जांपल है FeSO4 फेरस सल्फेट, तो अब यहां पर फिर नया आया आयरन, आयरन का होता है 56, आयरन का कितना होता है 56, तो 56 आयरन का 32 सल्फर का 4 इंटू 16 तो 64 ऑक्सीजन का, क्या आया आंसर 6 2 8 4 12 का 2 कैरी 1 6 3 9 6 15 152 ग्राम, कितना आ गया 152, आयरन का 56 सल्फर का 32 ऑक्सीजन का 64 तो ये आ गया 152 ग्राम। ऐसे ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, HNO3 करो आप, अगला करो HNO3 नाइट्रिक एसिड, अगला करिए HNO3 की प्रैक्टिस करिए, HNO3 नेक्स्ट एग्जांपल, HNO3 में हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 17, ठीक है, नाइट्रोजन का सॉरी 14 और ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 तो 48 प्लस 14 प्लस 1 8 4 12 1 13 कैरी 1 63 ग्राम, HNO3 का कितना आ गया 63 ग्राम, कितना आया 63। अब आप लोग घर पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए नोट कर लो, आप CH4 का निकाल सकते हो, HCOOH का निकाल सकते हो, Fe2O3 का निकाल सकते हो, Na2CO3 का निकाल सकते हो, उसके बाद ये कुछ एक आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, और
मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इनका सॉल्यूशन करके उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आपका होमवर्क सभी ध्यान से सुन लेंगे। मैं कुछ एक कंपाउंड्स आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, उन कंपाउंड्स का आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, करने के बाद उसका फ़ोटो खींच के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यू हैव टू व्हाट्सअप में, आपको इसे मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करना है। आप और नोट करते जाइए, CaSO4 अगला एग्जाम्पल, ठीक है, फिर आप कर सकते हैं। और MgCO3 मैग्नीशियम कार्बन, MgSO4 ये आप कर सकते हो, L2O3 एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड ये आप कर सकते हैं, NaOH ये कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, आप इनकी कोशिश करेंगे घर पे तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगला टॉपिक था मोलिकुलर मास, क्या था मोलिकुलर मास। अब हमारा अगला टॉपिक एक आ रहा है जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक है इससे, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। टॉपिक का नाम क्या है? मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट के साथ ही मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। दोनों चीज़ें हम एक साथ पढ़ेंगे और ये हम पढ़ेंगे हमारे कल की क्लास में, ये हम पढ़ेंगे हमारे कल की क्लास में। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको घर जाकर करना है, मतलब घर पे करना है, और घर पर करने के बाद उसका फ़ोटो खींचकर मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर मुझे सभी व्हाट्सअप करेंगे। अगली क्लास में जो आपकी लूँगा वो लूँगा मोल कंसेप्ट की। ध्यान रखें, ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, उसके बाद अपन अगर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बाय यूट्यूब ही पढ़ेंगे, और अगर मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूँ तो वो मैं आपकी लाइव क्लास लूँगा गूगल मीट पर। ध्यान रहे सभी स्टूडेंट्स, तो जो जो भी मुझे व्हाट्सअप पर नहीं जुड़े हैं, आप मुझे अपना नाम, गांव का नाम और क्लास लिखकर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट में जोड़ दूंगा, ताकि स्टडी मटेरियल आपको बाय व्हाट्सअप अवेलेबल हो सके और आपको ये सारी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से मिलती रहे। तो लाइव क्लास में जुड़ने के लिए व्हाट्सअप से जुड़ना नहीं भूलेंगे, ऑर्गेनिक में लाइव पढ़ाऊँगा, और सेकेंड चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बाय यूट्यूब ही चलाएंगे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।